हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना, आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं सुबह से रात तक का डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सबने कमेंट कहा था, रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आराम से 5 से 8 से 10 किलो तो आप कम कर ही लेंगे बहुत आसानी से। और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसके साथ साथ आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। और जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक ही रेसिपी तो रोज़ रोज़ आप खा नहीं सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से अदल बदल करके खा सकते हैं। बाकी आप कहेंगे तो रेसिपी मैं शेयर करती रहूँगी सब्जियों की, बाकी डिनर की सब सारी सब्जी। चलिए देख लेते हैं, डाइट प्लान शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा ही है, बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह हमें गर्म पानी और नींबू लेना है। एक नींबू का जूस मैं ले रही हूँ, उसमें गर्म पानी ले आप इसको सुबह पी सकते हैं। इसको पीने सुबह इसको लेने के बाद आधा से पौने से 1 घंटे का गैप अगर करें तो सही है। इस बीच आप वॉक कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट की, आधे घंटे की वॉक, जैसे आपको सही लगे। थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी डाइट के साथ, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इसको पानी पीने के बाद हम नाश्ते में 1 घंटे के बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ते में मैं चीला और थोड़े से भीगे हुए बादाम और चाय ले रही हूँ। चाय हमें विदाउट शुगर ही लेनी है, शुगर नहीं लेनी है। लेकिन अगर किसी का नहीं चल रहा है तो ब्राउन शुगर ले सकता है, लेकिन पीते पीते आदत पड़ जाती है, नहीं लगता है कि शुगर नहीं हुई है इसमें। और चीले की रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बदले आप और भी चीले हैं सैंडविच की रेसिपी में डालती रहूँगी, नाश्ते में ले सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैं ग्रीन कॉफ़ी ले रही हूँ। और 2 घंटे के बाद अगर भूख लगती है तो कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, नाशपाती है मेरे पास। मैं तो नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट करती हूँ, जो नाश्ता जल्दी करते हैं वो कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और फिर लंच में हम आ जाते हैं दोपहर के खाने में, तो मैं 2 रोटी और सब्ज़ी और खीरा ले रही हूँ। और दही भी आप थोड़ी सी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन दही मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैं दही नहीं लेती हूँ। और रोटी, ये ओट्स की रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं आप। मेरे पास, मैंने डाइट बहुत दिन से छोड़ रखा था, इसके बाद मेरे सारी ग्रेन नहीं है, तो ये मैं ओट्स की रोटी ले रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सब्ज़ी में बीन्स और आलू की सब्ज़ी ले रही हूँ। आलू बॉईल करके ही लेंगे, अगर जब हम कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं अगर आलू इसमें यूज़ कर रहे हैं तो बॉईल कर देंगे तो इसका स्टार्च निकल जाता है बिल्कुल, और फैट इसका निकल जाता है, तो आप इसको वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं। अगर बगैर बॉईल करे आलू कच्चा आलू डालेंगे तो उससे वेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, बहुत ही कम, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के बीन्स काट के रखी थी, इसको डाल देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। आलू इधर मेरे दूसरी तरफ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसका सारे स्टार्च निकल जाएंगे, फिर हम इस सब्ज़ी में डालेंगे। और लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैं ऐसे ही चॉप करके रखी रहती हूँ, किसी भी सब्ज़ी में डालती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये डाल देंगे 1 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद एक प्याज चॉप करके रखी, इसको भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। और सब्ज़ी बहुत ही कम तेल में बनानी है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऐसा नहीं है कम तेल में बन रही है तो मसाले तेल नहीं है तो टेस्टी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डाल देंगे, डाल के इसको भी मिक्स कर देंगे। आप इसके बदले अलग अलग सब्ज़ी बना के रोज़ अलग अलग सब्ज़ियाँ बना के खा सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर करती रहूँगी दोपहर की सब्ज़ियों की। इसमें मैं एक चम्मच क्या टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको भी मिक्स करके अब इसको ढक के मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी पकाने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पकी रहती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है, फिर इसके बाद आलू जो बॉयल करके रखा था छान लिया, इसमें डाल देंगे। और इसमें 1-2 पिंच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ये होममेड गरम मसाला है, बाहर का गरम मसाला बिल्कुल नहीं लेना होता है, क्योंकि अच्छा नहीं, पता नहीं कैसा वो लोग बनाते हैं, घर पे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सारे मसाले इसलिए घर पे ही बनाती हूँ, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है घर के मसालों में। और थोड़ा सा इसमें बस हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर देंगे, सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब रोटी बनाने के मैंने ओट्स ले रही हूँ, और आगे कहेंगे तो मैं मल्टीग्रेन रोटी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये ओट्स है, इसको मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया था, और इसको बारीक एकदम पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब ये गेहूं का आटा है, जो रेगुलर आटा हमारे यहाँ यूज़ होता है, वो मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसको एकदम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं वो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। और ये बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी इसकी रोटी लगती है, बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं बहुत। लेकिन ये थोड़ी सी, जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, इसकी थोड़ी सी हार्ड रहेगी, बस ये फ़र्क रहेगा, लेकिन टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है ये। इसको हम इसकी रोटी बना लेंगे, इतने आटे की मैं 4 रोटी बनाऊँगी, 4 से 5 रोटी बना सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं, जैसे आप सबके यहाँ मीडियम ही रोटी बनती है, तो उसी मीडियम रोटी हम 2 ले सकते हैं।
ज़्यादा रोटी नहीं लेना है। अगर भूख नहीं लगी हो तो एक रोटी ले सकते हैं, अगर जिससे ज़्यादा भूख जिसको लगती हो दो रोटी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रोटी नहीं लेनी है क्योंकि ज़्यादा भी खाएंगे तो उससे भी तो वेट बढ़ेगा। पोषण का भी हमें ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाना होता है। अगर भूख लगती है ज़्यादा तो फिर पानी पी के हम पेट भर लेते हैं, भर लेना है, लेकिन ज़्यादा खाना पीना नहीं खाना है कि उल्टा सीधा खाते रहें भूख लग रही है। और शाम की चाय के साथ ये चाय मैं ग्रीन टी ले रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने चाय ले ली थी, तो इस टाइम ग्रीन टी और थोड़े से मखाने ले रही हूँ रोस्टेड। मखाने रोस्ट करने के लिए मैं एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ, बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है और बहुत ही क्रंची बहुत टेस्टी हो जाता है। और ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने इसमें सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है बहुत। और फिर डिनर में हम सौते सब्जियाँ लेंगे, ये सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप इसके साथ घर पर चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी वेज ही रखी हूँ सारा। आगे देखूँगी, आप लोग कहेंगे तो मैं नॉन वेज की भी रेसिपी डाइट प्लान डाल दूँगी। ये सौते सब्ज़ियाँ हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इसके साथ हमें कोई चावल कोई रोटी नहीं खानी क्योंकि इससे ही पेट इतना ज़्यादा फुल हो जाता है। और रात के खाने में ही हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि दिन में हम कुछ भी खाते हैं वो नहीं, लेकिन रात में अगर ध्यान रखेंगे तो वेट अपने आप कम होने लगेगा। शुरू में तो मैं खाली पपीता या सैलेड ही लेती थी, लेकिन बाद में ऐसे बना के खाने लगी। सब नहीं सैलेड या फ्रूट्स खाली सब नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है आप लोगों के लिए, बहुत हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा डाल दिया और ये सब्ज़ी है इसको, हाँ ये गोभी है फूल वाली, इसको थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको एक मिनट के लिए फ्राई कर लिया, ढक के रख दिया था, ढक के अच्छे से स्टीम सब्जियाँ हो जाती हैं। और थोड़ी सी बीन्स है, ऑरेंज कैरेट है, ये भी काट लिया, इसको भी डाल के इसको भी एक आध मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए सौते करके इसको भी ढक के एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, एक मिनट के लिए ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं पका, थोड़ी सी क्रंच बना रहेगा ना सब्ज़ियों में तभी टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। ये मैंने एक मिनट पका लिया, फिर इसमें ये शिमला मिर्च ग्रीन वाली काट के रखी थी ये डाल दिए, इसके जगह पे आप लाल और पीली शिमला मिर्च डालेंगे तो उससे और ज़्यादा टेस्ट है, उसकी वो वाली शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। और ये लहसुन अदरक और जो मैं बता रही थी ग्रीन चिली का मैं वो करके रखती हूँ ग्राइंड, वो डाल देंगे। और नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक इस टाइम हमें नॉर्मल नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना पिंक सॉल्ट भी ले सकते हैं। पिंक सॉल्ट की रेसिपी मैं और पिंक सॉल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, वैसे आप सेंधा नमक ले सकते हैं। इसमें मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, इसको डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा इसके साथ ही सौते कर लेंगे एक दो मिनट, सब पनीर थोड़ी सी सौते हो कच्चा पन इसका निकल जाता है तो टेस्टी लगती है खाने में। इसको अच्छे से हिलाते हुए देखिए कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर वो यू फॉलो करेंगे तो उससे तो बहुत जल्दी वेट कम होगा। ये पपाया आप खाएंगे, अगर महीने में 15 दिन भी खाते हैं तो आपका 5 से 7 किलो तो वज़न जाएगा ही जाएगा रात में अगर खाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता पपाया। मैं भी जैसे शुरू में मजबूरी में खाती थी लेकिन अब मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं रात में पपाया, लेकिन मैं अपने चिकन या पनीर ऐसे कुछ बना के खा लेती हूँ। लेकिन अगर आप जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये पपाया खा सकते हैं, इससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होगा, बहुत ही जल्दी लूज़ होगा। इसके आधे एक घंटे के बाद आप एक ग्रीन कॉफ़ी और ले सकते हैं। और खाना हमें सोने से 3 से 4 घंटा पहले ही खाना है क्योंकि खाना खा के सो जाते हैं तो उससे वेट बढ़ने लगता है, तो इसलिए कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए। आप ये सब फॉलो करिए तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों का वेट कम होगा, क्योंकि बहुत सब ने कहा है कि मेरा वेट ज़्यादा है बताइए कुछ, तो आप ये ऐसे फॉलो कर सकते हैं। और नाश्ते की और लंच की और डिनर की रेसिपी आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करती रहूँगी जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सही होती है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही आप लोगों को पता है। फिर चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।